हेलो एवरीवन हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी एंड दिस इज़ मीनाक्षी अवर टुडेज टॉपिक विल बी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सो आज हम पढ़ेंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आज क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल अपने टेंसेज को पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट फ्यूचर टेंस पास टेंस ये सब हमें पढ़ना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा कंटिन्यू है और उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट किया है बट उसको पढ़ उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने से पहले वी नीड टू नो दैट कि वॉट आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं क्योंकिस हमको ये मालूम नहीं पता नहीं होगा कि थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का यूज़ कैसे है नॉट बी एबल टू डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सो उससे पहले पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेना ज़रूरी था सो so, मैंने सोचा कि आपके लिए एक ये वीडियो बना लेती हूँ छोटा सा वीडियो है बहुत इजी है बट बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है बहुत स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है सो लेट्स स्टडी लेट्स स्टार्ट विद लेट्स स्टडी ओके सो so, ये मैंने यहाँ कुछ फॉर्म्स लिखी हैं फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ओके तो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं वर्क की तीन फॉर्म होती हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो अब आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए गो वेंट गॉन आई हैव रिटन येयर गुड बेटर बेस्ट प्ले प्लेट प्लेड कट 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 सी सॉ सीन हेल्प हेल्पड हेल्प कुक कुक्ड कुक्ड ओके सो so, इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं दिखा आपको है ना दिखा होगा ये डिफरेंस क्या है कि कहीं पर तो हमने हमारी ये चेंज हो रहा है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और कहीं पर ई डी लग गया है और कहीं पर हमारा पूरा सेकंड जो बेस बेस फॉर्म के बाद जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो गई है ठीक है तो अभी ये बात यह है कि नाइन्टी सेवन परसेंट जो हमारी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होंगी वर्ब की फॉर्म्स होंगी उसमें क्या होगा उसमें ईडी लग जाता है ईडी लग जाता है तो बनाना इजी है याद करना भी इजी है तो जिसमें जहां पर ईडी लगा हो उसे रेगुलर रेगुलर वर्ब्स कहते हैं कहते हैं और जहाँ पर ई नहीं होता वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं अब कुछ ही हैं इरेगुलर वर्ब्स जिनको हमें याद करना होता है तो जैसे कट 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 अब हम इसमें कटेड कटेड तो नहीं करेंगे है ना सी सीड सीड नहीं करेंगे है है ना गुड Good, गुडेड ऐसे ऐसे कुछ नहीं है इस तरह से नहीं कर सकते तो जब ये वाली जो वर्ब्स होती हैं ये वाली थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है इनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब तो इरेगुलर वर्ब में इरेगुलर वर्ब्स में ईडी नहीं लगा होता है ईडी नहीं लगा होता है इरेगुलर वर्ब्स में ईडी को हम नहीं लगाते हैं नहीं लगा मिलता है तो इरेगुलर वर्ब्स बस कुछ ही हैं, तो कहीं पर अब जैसे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे कि मैंने खाना खा लिया है आई द फूड है ना तो वो चीज़ हमें रेगुलर और इरेगुलर के बेस पर ही अपनी वीडियोस अपने सेंटेंसेस को हमें बनाना होगा कैसे कि रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है अब ये हमारी रेगुलर वर्ब है ये जो है हमारा सॉरी इरेगुलर वर्ब है ये वाला ये कौन सा है रेगुलर इरेगुलर

Uh, जो वर्ब होगी जैसे खाना है ईट है तो ईट में हमें क्या करना होगा ईट एट टिटन करना होगा हेल्प होगा तो ई लगा देंगे लेकिन uh, जो रेगुलर वर्ब होगी उसके लिए हमको हमें याद करना होगा तो हमें कुछ थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद भी करनी होगी है ना तो उनको याद करने के बाद ही हम अपने सेंटेंसेस में uh, उनको अप्लाई कर पाएंगे ओके okay? तो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्क इसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्क का आप ध्यान रखिए रेगुलर वर्ब हम कहाँ लगाएंगे और इरेगुलर हम कैसे लगाएंगे लगाना दोनों ही है बट रेगुलर और इरेगुलर को कैसे हम यूज़ करेंगे अपने मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में पास परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में हमें इनको यूज़ करना है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू